चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी साहब का मज़मून है बीवी कैसी होना चाहिए मुझसे यह सवाल किया गया है कि बीवी कैसी होना चाहिए मैं कहता हूँ बुरी बीवी कोई मुझको दिखा दे तो मैं सवाल का जवाब दू मैं इसका भी दावेदार हूं कि मैंने आज तक कोई बदसूरत औरत भी नहीं देखी आंखें रखता हूँ दुनिया देखी है अगर होती तो आखिर मैं ना देखता हमारे पड़ोस में एक मियाँ बीबी रहते हैं जिनका जोड़ा पूरी तौर से मिल गया है ये दोनों आदमी इंतहा दर्जे के काहिल परले सिरे के झूठे और हद के नाकारे हैं मगर जब देखिए दोनों कुमरियों की तरह एक दूसरे के साथ हैं गुलभैया डाले बैठे हैं इनके दो बच्चे हैं किसी ने इन बच्चों का धोया हुआ मुंह कभी नहीं देखा कपड़े इन लोगों के तन पर से कट के गिर जाते हैं मगर धोबी को देने की तोफीक नहीं होती बच्चों के कपड़ों में जरी सी फूक बढ़ के नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है। और फट कर अलहेदा हो जाती है मगर सुई तागे की शर्मिंदा नहीं होती मैंने एक दिन उस औरत से पूछा तुम्हारी मियाँ तुमको चाहते हैं कहने लगी इतना चाहते हैं कि खाना लिए बैठे रहते हैं मगर बगैर मेरे नहीं खाते दूसरी मिसाल मोहब्बत की यह दी कि कल सुबह बटेर के शिकार को जा रहे थे मैंने कहा रोज जाते हो मगर कभी एक पर भी घर में ना आया बस गुस्से में एक डंडा मेरी पीठ पर रसीद किया मैं भी दोपहर तक मुंह फुलाए रही नहीं बोली तब दौड़े गए तेल की जलेबियां ले आए तब मैं बोली किसी रांड बेवा के यहाँ एक तोता पला था वो हर वक्त उस औरत को मुगलजात सुनाया करता था एक दिन उनके यहाँ पीर साहब तशरीफ लाए तोते को सुनकर कहने लगे अरे तेरा तोता तो बड़ा फुहाश है पिंजरा खोल दे ये उड़ जाए कहने लगी रहने दीजिए मियाँ साहब घर में मर्दवे की ऐसी बोली तो सुनाई देती है मेरे एक दोस्त एक डिप्टी साहब का हाल बयान करते हैं कि वो दौरे पर थे मैं उनसे मिलने गया मालूम हुआ कि डिप्टी साहब गसल फरमा रहे हैं ये बैठे रहे जब देर हुई तो उन्होंने फिर दरियाफ्त किया मालूम हुआ अभी तक गसल में है सरकारी काम था जिसके ना तमाम रह जाने में दोनों की बदनामी थी इस वजह से संग आमद सख्त आमद इंतज़ार करते रहे मगर डिप्टी साहब आज निकलने का नाम लेते हैं न कल इनकी आंतें कुल्हल्ला पढ़ रही हैं मगर उनकी बरामदगी की कोई सूरत नहीं दिखाई देती खैर घंटों के बाद तलबी हुई तो क्या देखते हैं कि डिप्टी साहब दफ्तर के पास कुर्सी पर बड़ी शान से तशरीफ़ फरमाएं मिसलों का ढेर लगाए मगर खाली पतलून और खड़ा में पहने बैठे हैं काम पूरा करके जब ये बाहर निकले अरदली से इस अनोखी वजह का सबब पूछी बैठे मालूम हुआ कि बेगम को किसी बात पर गुस्सा आ गया उन्हें हुक्म दिया कि आज इस मुंडी कांटे को कपड़े न दिए जाएं ख्याल तो कीजिए जाड़ों का महीना खैमे की जिंदगी लेकिन अगर डिप्टी साहब को ये बातें पसंद है तो हम आप बुरा मानने वाले कौन <laughs> पीटर पिंडर ने लिखा है कि स्कॉटलैंड में मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी बीवी को मारता है मुझे ऐसा जोश पैदा हुआ कि मैं घर में घुस गया और उस औरत को बचाने लगा मेरा ये करना था कि दोनों मेरे ऊपर पलट पड़े और मुझको बाहर के बाहर कर दिया लीजिए साहब हम तुम राजी तो क्या करें काजी क्यों साहब अगर किसी को फितना और फसाद वाली ज़िंदगी पसंद है और ऐसा ही शरीक ज़िंदगी भी पसंद हो तो हमारी आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी क्या चीज़ है आपको अक्सर इस तरह की बातें सुनने का इतफाक़ हुआ हुआ अरे या इलाही हाथ थके तन तन को ट टपके मचमचाती खाट निकले तब मेरे दिल में ठंडक पड़े और पड़ोसी पड़ोसी इधर उधर खड़े नफरीन कर रहे हैं कि भाई क्या बुरे लोग हैं क्या कुत्ते बिल्ली की जिंदगी बसर कर रहे हैं लीज साहब शोरों शगम मिट गया मियाँ निकल कर अपने काम पर चले गए बी हमसाई कुछ तो हमदर्दी करने के ख्याल से और कुछ ज्यादा टोह लेने की खिड़की की तरफ से अंदर दाखिल हुए देखा कि एक तरफ का गाल सूझा हुआ है आंखों की लाली बावजूद मुंह धोने के अभी मिटी नहीं है हाल तो सब पहले से जानती थी मगर अनजान बनकर पूछने लगी ये बहन क्या हुआ जवाब मिला बहन क्या कहें? आप ही लड़े आप ही खफा होकर चले गए खाना भी नहीं खाया ये देखो वैसे ही रखा है पान की डिब्बिया भी नहीं लेके गए जी कुर्ता है कि दिन भर बिन पान के रहेंगे मुंह साबन हो जाएगा लीजिए साहब ये तो गई थी कि वो मियाँ की अगर एक बुराई करेंगी तो हम दस करेंगे वहां रंगी दूसरा देखा एक मेरे मरहूम दोस्त कहा करते थे कि बीबी के नाजो अंदाज हर तरह के उठाए जा सकते हैं लेकिन एक बात नाकबिल माफी है वो ये कि ये लोग कभी कभी मर जाती हैं इसके मुकाबले में दूसरा किस्सा है कि एक साहब ने बयान दिया कि मेरी बीबी दो ही बरस के अंदर दाग मुफारकत दे गई जरा सा लड़का एक फूसड़ा अपनी निशानी छोड़ गई मेरी एक बड़ी साली थी जो शायद इसी इंतजार में पहले से रंडापा कह रही थी कुछ दामन साहबा कहने लगी मियाँ तुम्हारी साली मौजूद है अगर वक्त कर लेते तो मुर्दा रिश्ता फिर जिंदा हो जाता मैंने भी सोचा जब वो जवान जहान न रही तो ये उधेड़ क्या रहेगी लाओ कर भी लो लड़के की खाला है बच्चा भी पल जाएगा जहेज भी अच्छा खासा हाथ लग जाएगा उनके मरने के बाद इन शिम ढूंढ लेंगे लीजिए साहब अक्त होने को हो गया मगर वो आज मरती हैं ना कल वो तो पहले ही से बूढ़ी थी मेरे भी दांत गिर गए मगर वो जाने का नाम नहीं लेती इधर मैं कहीं सफर को तैयार हुआ उधर वो इमाम जामिन लिए ड्योहड़ी पास पहुंच गई इन साहब का बयान है कि बड़ी बीवी के मरने से तो मायूसी हो ही चुकी थी मैंने ये वतीरा इख्तियार किया कि इधर उन्होंने इमाम जामिन बांधा उधर मैंने भी एक चीथड़ा लेकर उनके दाहे बाजू पर बांध दिया और कहना शुरू किया खुदा तुम्हारे साय में हमें परवान चढ़ाए अब जरा गौर फरमाइए कि अगर इन साहब को कहीं हमने सलाह दी होती कि बड़ी साली से कर लो तो खुदा वास्ते हम ही तो बदनाम होते ना साहब इस मामले में यही ठीक है कि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग